The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So magnesium deficiency, बहुत important topic, बहुत जरूरी topic है आज का. So magnesium एक element है जो कि अगर आपके शरीर में हो जाए कम, आपके खून में हो जाए कम, तो आपको हो जाएगा hypomagnesemia, that is magnesium deficiency. So ये क्यों होगा, इससे क्या होगा, इसका कारण क्या होगा, इससे इफेक्ट क्या होगा आपकी बॉडी के अंदर, ये सब जानेंगे आज हम. सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्यों है. देखिए, हर ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर, हर ऑर्गन, हार्ट, मसल्स, किडनी, सबको मिनरल चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए. ये एक मिनरल है, एक बढ़िया एलिमेंट है. और ये मिनरल क्या करता है, ये आपके बोन में भी है, ये आपके टीथ में भी है, ये बहुत सारे काम करता है आपकी बॉडी के. ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस दोनों में, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैग्नीशियम. सो बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस ऑफ की बॉडी के जो एनर्जी यूज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को यूज करते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और अगर आपके बॉडी के अंदर मैग्नीशियम कमी हो जाए, मैग्नीशियम लो हो जाए, तो फिर सिम्टम्स डेवलप होंगे, आपको दिक्कतें आने लगेंगी. सिम्टम्स और दिक्कतें क्या आने लगेंगी उसको समझते हैं. और उससे पहले समझते हैं कि मैग्नीशियम लो होगा तो क्यों होगा. मैग्नीशियम अगर लो होगा तो वो होता है अल्कोहल यूजर्स में. जी हाँ, जो दारू पीते हैं उनका मैग्नीशियम कम होता है. जो जिनको मान लीजिए बर्न हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा बर्न बॉडी के अंदर, दे विल हैव लो मैग्नीशियम. देन क्रोनिक डायरिया, जिनको बहुत ज़्यादा डायरिया है उनमें हो सकता है. पेशाब ज़्यादा आना, पॉलीयूरिया, जैसे डायबिटीज़ या किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर की रिकवरी में उनको मैग्नीशियम की कमी होगी. अगर डायूरेटिक ज़्यादा ले रहे हैं तो होगा. हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, मतलब जिसमें कि एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा एल्डोस्टेरोन का हार्मोन बनाता है, उसमें भी पेशाब ज़्यादा निकलता है. किडनी ट्यूबुलर डिसऑर्डर में भी पेशाब ज़्यादा निकलता है. तो इन सब चीज़ों में आपकी मैग्नीशियम की डिफिशेंसी हो सकती है. मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जैसे सीलिएक डिजीज़, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, उसमें भी हो सकती है. और मैल न्यूट्रिशन, मतलब सही से खाना नहीं खाने से ऑब्वियसली मैग्नीशियम की डिफिशेंसी हो सकती है. इन सब के साथ पैनक्रियाटाइटिस, यानी कि पैनक्रियाज जो इन्फ्लामेशन होता है, हमने लास्ट टाइम देखा था, पैनक्रियाज स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन, डाइजेशन में सही नहीं हो रहा, फिर डाइजेशन सही नहीं होगा, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो सकती है. इवन एक्सेसिव स्वेटिंग से मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो सकती है, और दवाओं से हो सकती है. कौन सी दवा से, जैसे कि कई सारी कुछ एंटीबायोटिक्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड वाली, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर गैस की दवा जो सबसे कॉमन खाई जाती है, PPIs, राइट, पेशाब ज़्यादा आने वाली दवा, डायूरेटिक, साइक्लोस्पोरिन, सिस्प्लास्टिन, एम्फोटेरिसिन बी, फंगस हो, एंटीबायोटिक हो, बहुत सारी ऐसी दवाओं से मैग्नीशियम कम हो सकता है. भाई इतना क्या टेंशन है, कम हो गया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. टेंशन होता है क्यों, क्योंकि आपको सिम्टम होते हैं. क्या सिम्टम होता है, सिम्टम में सबसे कॉमन सिम्टम होते हैं निस्टैग्मस, एबनॉर्मल आई मूवमेंट, टंग 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 टंग, आई मूवमेंट एबनॉर्मल होने लग सकते हैं. फटीक, सबसे कॉमन सिम्टम तो थकावट है, थकावट और मसल स्पाजम्स, राइट. मिनरल डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी से हो सकता है, डिहाइड्रेशन से हो सकता है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से हो सकता है. मसल स्पाजम, फटीक, मसल वीकनेस, सुनपना, नंबनेस, ये भी हो सकता है. और ज़्यादा हो जाए तो कन्वल्जन्स और आई मूवमेंट, आई एबनॉर्मल मूवमेंट, और झटके आ सकते हैं, दौरा पड़ सकता है आपको लिटरली. सो मैग्नीशियम इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट. सो मैग्नीशियम कम है, ये कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा बाय डूइंग सम टेस्ट. योर डॉक्टर, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल डू टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम. यू मे बी नो राइट, यू मे बी ऑर्डर्ड टू डू सम टेस्ट. सो आपके डॉक्टर सबसे पहले जो टेस्ट करेंगे, कुछ टेस्ट हो सकते हैं आपके सिम्टम्स के अनुसार, ब्लड टेस्ट, उसमें आपका मैग्नीशियम लेवल चेक हो सकता है. मैग्नीशियम नॉर्मल लेवल होता है 1.2 से लेके 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या अगर उसको मिली मोल पर लीटर में देखेंगे तो 0.65 टू 1.05 तक बेसिक होता है. अगर ये आपका उससे कम निकलता है तो मतलब हाइपोमैग्नीशियमिया,
और साथ ही इसके और भी टेस्ट होते हैं, ईसीजी होता है हार्ट का, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस में हार्ट में एबनॉर्मलिटी डेंजरस होती है इसलिए टू बी सेफ वो जरूर किया जाता है, कैल्शियम का ब्लड टेस्ट होता है और बाकी कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक प्लानल होता है जिसमें लिवर किडनी और यूरिन टेस्ट होते हैं, यूरिन मैग्नीशियम भी चेक हो सकता है, ब्लड पोटेशियम चेक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं टू फाइंड आउट कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैग्नीशियम कम है और कितना कम है। उसके बाद होगी उसकी ट्रीटमेंट, भाई चलो कम है कम है कम है क्या करें, आईवी फ्लूइड्स दिया जाएगा आपको। अगर आपका मैग्नीशियम लो है तो आपको फ्लूइड्स आईवी फ्लूइड्स यानी कि ग्लूकोज यानी पानी टाइप चलाया जाएगा, नॉट एग्जैक्टली ग्लूकोज, इट्स आइसोटोनिक फ्लूइड। और मैग्नीशियम दिया जा सकता है, मैग्नीशियम वेन में इंजेक्शन के थ्रू डाला जा सकता है, इंजेक्शन दिया जा सकता है, मैग्नीशियम की गोली खाई जा सकती है। और जो भी सिम्टम आपको हो रहे हैं, मसल क्रैम्स हो रहे हैं, झटके आ रहे हैं, कन्वर्जन, उसके लिए अलग से सिम्टोमेटिक दवाइयाँ दी जाएगी, वो अलग। सो मैग्नीशियम की कमी, मैग्नीशियम पूरा करो, मैग्नीशियम को टेस्ट कराओ, बहुत सिंपल सी कंडीशन है। कितना डेफिशिएंसी है उस पर डिपेंड करेगा आउटकम क्या होगा, ज़्यादातर केसेस में आउटकम इज गुड, मीनिंग टेस्ट कराओगे पता चलेगा तो दिक्कत कम हो जाएगी। लेकिन खुदा न खास्ता आपको मैग्नीशियम की कमी रही और आपने ठीक नहीं किया और हार्ट में गड़बड़ी आ गई तो धड़कन की प्रॉब्लम, रिदम प्रॉब्लम आने से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जी हाँ, कार्डियक अरेस्ट का एक कारण हाइपोमैग्नीशीमिया भी है, इवन उससे रेस्पिरेटरी सांस का अरेस्ट आ सकता है। तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स व्हाई यू कैन हैव सच अ प्रॉब्लम एंड इवन डेथ कैन हैपन इफ दिस प्रॉब्लम इज नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम। तो पहली बात तो ट्रीटमेंट से पहले पता करना पड़ेगा, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टेस्टेड रेगुलरली। एवरी पेशेंट हु इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, चाहे आईसीयू में एडमिट होते हैं, उनका इलेक्ट्रोलाइट जरूर किया जाता है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूड मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो अगर आपको लगता है आपको थकावट ज़्यादा होती है, मसल स्पाज्म ज़्यादा होते हैं, बाकी सब टेस्ट करा चुके हैं कुछ नहीं निकला, तो मैग्नीशियम लेवल चेक कराइए। और प्रिवेंशन के लिए इट्स गुड टू बेसिकली, अगर खासकर अगर आप स्पोर्ट्स में हो, बहुत पसीना निकलता है, विगरस एक्टिविटी है, तो साथ साथ में आप स्पोर्ट्स ड्रिंक, इलेक्ट्रोलाइट्स पिया करें, इलेक्ट्रोल दैट्स व्हाट वी से, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें मैग्नीशियम लेवल होता है, जो मैग्नीशियम लेवल हेल्दी रखने के लिए काफ़ी होता है। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप हैवी, खासकर अगर 40-45 मिनट से ज़्यादा लंबी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, देन यू नीड इलेक्ट्रोल, इलेक्ट्रोलाइट्स, सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक, राइट, नॉट एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक एंड स्पोर्ट्स ड्रिंक आर डिफरेंट। एनर्जी ड्रिंक में ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज होता है, स्पोर्ट्स ड्रिंक में इलेक्ट्रोल होता है। एनर्जी ड्रिंक अलग है, स्पोर्ट्स ड्रिंक अलग है, सो यू नीड अ स्पोर्ट्स ड्रिंक, राइट। सो कई बार कॉम्बिनेशन हो सकता है, सो इफ देर कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स दे आर गुड, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। नारियल पानी इज गुड, राइट, बाकी नींबू पानी इज ऑल्सो गुड, शिकंजी इज ऑल्सो गुड, सो मेक श्योर टू टेक ऑल ऑफ देम। इफ यू हैव लो मैग्नीशियम, then get it corrected and keep watching my videos. If you have any question, please ask. Thank you so much for watching.